इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। टुडे दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ 16th January 2021। द डे इज सैटरडे, क्लास 7th। द सब्जेक्ट इज इंग्लिश, यूनिट नंबर 6। द टॉपिक इज क्लीनिंग लेडी टू लीडिंग लेडी। क्लीनिंग लेडी, खाक रुबा या सफाई करने वाली जो औरत थी, खाकरोबा से उसका किरदार जो था मरकज़ी अदाकारा तक पहुंचा। खाकरोबा से मरकज़ी अदाकारा तक, ये इस लेसन का टॉपिक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। दिस इज़ योर क्लास वर्क, पेज नंबर 162, पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ क्लीनिंग लेडी टू लीडिंग लेडी। स्टार्विंग, फाकाकश, फ्रीजिंग सर्दी से मुंजमद एंड ब्लीडिंग और खून आलूद, सुनामे यांगचन ले डाउन इन द माउंटेंस। फाकाकश, सर्दी से मुंजमद और खून आलूद सुनामे यांगचन मरने के लिए पहाड़ों में पड़ी हुई थी। ले डाउन, मरने के लिए पहाड़ों में पड़ी हुई थी। टू डाई, मरने के लिए। ले डाउन, पड़ी हुई थी। इन द माउंटेंस, टू डाई, मरने के लिए पहाड़ों में पड़ी हुई थी। Without fear, the teenager embraced her fate. बिना किसी खौफ के कि इस कमसिन लड़की ने to freeze to death in the Himalayas, अपनी किस्मत को गले लगा लिया था हिमालय में सर्दी से मुंजमद होकर मरना। embraced her fate, उसने क्या किया था, किस्मत को गले लगा लिया था। टू फ्रीज टू डेथ इन द हिमालयाज, हिमालयाज में, हिमालय में सर्दी से मुंजमद होकर मरने को अपनी किस्मत बना लिया था। द फैमिली शी हैड लेफ्ट बिहाइंड इन टाइबट वुड नेवर नो व्हाट हैपेंड। उसका ख़ानदान जिसे वो तिब्बत में छोड़ आई थी पीछे, कभी जान नहीं पाएगा कि क्या हुआ या क्या वाक्या पेश आया। व्हाट हैपन्ड, क्या वाक्या पेश आया। देन आर ट्रैवलिंग कंपेनियन, फिर ट्रैवलिंग कंपेनियन, सफ़र का एक साथी, हु हैड गॉन ऑन अहेड, जो आगे निकल गया था, टर्न्ड बैक एंड रेस्क्यूड सुनामे, वापस मुड़ा और उसने सुनामे को बचा कर, गिविंग हर द स्ट्रेंथ, उसको एक कुव्वत अता की, टू कम्प्लीट अ हैरोइंग 6-week ट्रैक अक्रॉस द माउंटेन्स इन टू नेपाल। उसने नेपाल के पहाड़ों में 6 हफ्ते का खौफनाक पैदल सफ़र मुकम्मल करने की कुव्वत अता की उसको, किसने, जो उसके सफ़र का साथी था। हैविंग गेंड हर फर्स्ट टेस्ट ऑफ फ्रीडम, द गर्ल रिफ्यूज टू एंड हर जर्नी देयर। आज़ादी का पहला जायका चखने के बाद, हैविंग गेंड हर फर्स्ट टेस्ट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का पहला जायका चखने के बाद, लड़की ने अपना सफ़र ख़त्म करने से इनकार कर दिया। द गर्ल रिफ्यूज टू एंड हर जर्नी, लड़की ने वहाँ अपना सफ़र ख़त्म करने से इनकार कर दिया। पैराग्राफ नंबर 2, 14 years later, द थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, 14 years later, 14 साल बाद, एंड थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, और हज़ारों मील दूर, द रिफ्यूजी विल स्टार्ट टू नाइट इन द ग्लिटरिंग गाला एट द रॉयल ओपरा हाउस इन लंडन्स कोवेंट। हज़ारों मील दूर लंदन के, आज रात लंदन के कोवेंट गार्डन में वाक़िया रॉयल ओपेरा हाउस गार्डन, रॉयल ओपेरा हाउस में एक जर्क बर्क तकरीब में मरकजी किरदार अदा करेगी। कौन अदा करेगी, सुनामे। 1400 साल बाद और हज़ारों मील दूर, 1400 साल बाद और हज़ारों मील दूर लंदन के, आज रात लंदन के कोवेंट गार्डन में वाक़िया रॉयल ओपेरा हाउस में एक जर्क बर्क तकरीब में मरकजी किरदार अदा करेगी। सुनामे नाउ 28 विल परफॉर्म हर हॉन्टिंग टिबेटन माउंटेन सॉन्ग्स
एट अ 1:30 हेड कॉन्सर्ट इन द वेन्यूज विलर फ्लोरल हॉल टू रेज मनी फॉर द टेबट रिलीफ फंड। सुनामे जो अब 28 साल की है विल परफॉर्म हर हॉन्टिंग उस जगह के वलोर फ्लोरल हॉल में मुनक्किद होने वाली 130 पाउंड फीकस की टिकट रखने वाली मौसीकी की महफिल में तिब्बत रिलीफ फंड के लिए पैसे जमा करने के लिए अपने अदास कुन तिब्बती नगमे सुनाएगी। क्लियर। विल परफॉर्म हर हॉन्टिंग टिबेटन माउंटेन सॉन्ग कौन से अपने मौसीकी वाले तिब्बत रिलीफ फंड के लिए उसके नगमे कौन से हैं अपने अदास कुन तिब्बती नगमे टिबेटन माउंटेन सॉन्ग्स तिब्बती नगमे एट 130 पाउंड अहेड कॉन्सर्ट इन द वेन्यूज विलर फ्लोरल हॉल। वेन्यू कहाँ पर विलर फ्लोरल हॉल में जो कंसर्ट होगा वहाँ पर वो क्या करेगी टू रेज मनी फॉर द टिबेट रिलीफ फंड। तिब्बत रिलीफ फंड के लिए वो पैसा इकट्ठा करने के लिए वहाँ अपने अदास कुन तिब्बती नगमे सुनाएगी। और वहाँ की टिकट कितनी थी 130 पाउंड फीकस की टिकट रखने वाली मौसीकी की महफिल कॉन्सर्ट हम कहते हैं मौसीकी की महफिल को। सो नामे होप्स दैट एन इवनिंग फॉर तिब्बत विल हेल्प हर फाइंड अ रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एज शी स्ट्राइव्स अ लॉन्च अ कैरियर दैट कैन हेल्प रीयूनाइट हर विद द डॉटर शी हैज़ सीन ओनली वंस इन 9 ईयर्स। सुनामे होप सुनामे को उम्मीद है कि दैट एन इवनिंग फॉर तिब्बत विल हेल्प हर फाइंड अ रिकॉर्ड प्रोड्यूसर तिब्बत के लिए एक शाम एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर ढूंढने में उसकी मदद करेगी। एज शी स्ट्राइव्स अ लॉन्च अ कैरियर क्योंकि उसने अपने कैरियर का आगाज करने की जदोजहद की थी। स्ट्राइव्स जदोजहद की थी कैन हेल्प री यूनाइट हर जो उसको मदद करेगी विद द डॉटर शी हैज सीन ओनली वंस इन 9 ईयर्स अपनी बेटी को दोबारा मिलाने में मदद कर सकती है। वो उसकी जो जद्दोजहद थी वो उसको उसकी बेटी से दोबारा मिलाने में मदद कर सकती है जिसे उसने शी हैज सीन ओनली वंस इन 9 ईयर्स जिसको उसने 9 सालों में सिर्फ एक बार देखा है। क्लियर टू यू। This is your homework. Cleaning lady to leading lady के आपने words meaning जो हैं उनको learn भी करना है और write भी करना है. Okay? Words meanings में star. यहाँ star एक सितारा सितारा भी हो सकता है लेकिन यहाँ इस lesson में star का मतलब है मरकजी किरदार अदा करना. गाला तकरीब को कहते हैं। रसल सरसराहट सरसराना किसी चीज़ का या पत्ते जैसे कि जब सूखे पत्ते होते हैं तो वो हवा के आने जब वो गिरे होते हैं और सूख जाते हैं तो हवा के आने से वो उनमें हरकत आती है तो वो उसकी आवाज़ जो होती है वो सरसराहट वाली होती है। नम बेहिस। दिस इज़ योर डायरी। यू हैव टू डू रीडिंग ऑफ पेज 162 पैराग्राफ 1-2 प्लस लर्न एंड राइट वर्ड्स मीनिंग्स जो मैंने होमवर्क में आपको दिखाए हैं हमने उनको डिस्कस भी किया है वो वर्ड्स मीनिंग आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं ऑफ क्लीनिंग लेडी टू लीडिंग लेडी। इज इट क्लियर टू यू ऑल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर लिसन दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।